दोस्तों चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम होंडा में इस कार का रियर शॉकर बदलेंगे। तो मैं ये गैब्रियल के शॉकर ले आया हूँ। तो एक शॉकर जो है मुझे 1500 का पड़ा है, दोनों पेयर की बात करें तो 3000 में मुझे दोनों शॉकर पड़े हैं। और ये जो गाड़ी जिसकी बात कर रहे हैं लगभग आपकी 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसका क्यों शॉकर बदल रही है एक बार मैं आपको दिखा दूँ। देख सकते हैं इसके अंदर की जो बुशिंग है पूरी कट चुकी है और इस कारण अभी शॉकर आवाज कर रहे हैं। और लगभग वैसे भी अगर गाड़ी 1,20,000 चल चुकी है तो उसके शॉकर लगभग खराब हो ही चुके होते हैं, आपकी बुशिंग ये सब कट जाती है, तो ये अलग से रिप्लेस नहीं होती है, तो आपको ये पूरा शॉकर ही रिप्लेस करना पड़ता है। शॉकर जो होते हैं हमारी गाड़ी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सस्पेंशन का पार्ट होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस काफी कॉम्प्रोमाइज होती है, इवन आपकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि आपकी ब्रेकिंग अच्छी नहीं होती गाड़ी की, आपकी टायर की भी टीयर ज्यादा है, आपके बाकी के जो सस्पेंशन के पार्ट है वो भी डैमेज होते हैं, बस आपका गाड़ी का कंफर्ट है जो आपका राइड का वो भी नहीं रहता। तो इस कारण हमें शॉकर अगर आपके देखें वी ए टीयर हो गए, खराब हो गए, लीक हो गए हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मैं रियर शॉकर रिप्लेस कर रहा हूँ, जो फ्रंट शॉकर है मैं उसके ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका हूँ, उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो उसका जो लिंक है मैं ऊपर शेयर कर दूंगा, उसको जाके आप रेफर कर सकते हैं कि अपनी होंडा में इस कार का आपको फ्रंट शॉकर कैसे बदलना है। तो बहुत ही सिंपल होता है रिप्लेस करना, ऐसा नहीं आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन, आपको मैकेनिक चाहिए, आपको ज़्यादा टूल्स चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, जब मैं खुद अपनी गाड़ी में खुद रिप्लेस कर सकता हूँ ये सब, तो बाकी लोग भी मानता हूँ कि आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। कौन कौन से टूल चाहिए वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस मैं वीडियो में जब काम करूँगा वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये बहुत बेसिक काम है जो आप खुद घर में कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो आपकी सेडान कार होती है उसमें जो आपका शॉकर होता है बैक साइड का, वो अंदर से कनेक्ट होता है, आपको अपनी डिक्की खोलनी है, डिक्की में आपका यहाँ पर कनेक्ट हो रहा होता है। तो उससे पहले क्या करना होता है, आपको जो कारपेट कहें या मफलर कहें या मैट कहें जो कहें, इसके आपके पीछे की तरफ होता है, तो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस टाइप का टूल चाहिए, आप स्क्रू ड्राइवर से भी निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, आप सिंपल सा यहाँ पे जितने भी आपके रास्ते में आ रहे हैं ये निकाल लें इसको, और देखते हैं निकलते जा रहे हैं। तो कवर हटाएंगे तो आपका बैक साइड के यहाँ पर ही आपको ये नट दिखेगा, ये नट खोलना है आपको ऊपर से, और नीचे से आपको जो खोलना है वो भी दिखा दे रहा हूँ। तो आपको नीचे से दिखा दूँ, नीचे से आपको ये वाला बोल्ट खोलना है। तो थोड़ा WD-40 यहाँ स्प्रे कर दें ताकि आपकी खोलने में आसानी हो, थोड़ा सा स्प्रे करिएगा और उसका सिर्फ 5 मिनट छोड़ देंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे स्प्रे कर दीजिएगा। आपको यहाँ आगे करना है तो यहाँ पे भी आगे स्प्रे करते हुए छोड़ देंगे ऐसे। तो स्प्रे करके इसे 5 मिनट छोड़ना होता है ताकि बाई चांस रस्ट लग गई है, कोई आपकी गंदगी है वो कट के अपने आप निकल जाए। और इस बीच अपनी हम कार को जैक पे लगा लेते हैं ताकि आपके जो शॉकर है उस पे से टेंशन हट जाए। तो कार को एक बार मैं जैक पे लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब भी अपना आप शॉकर खोलेंगे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको नीचे से खोलना है, नीचे का जो बोल्ट है ये निकालेंगे ताकि जो आपकी भी टेंशन बन रही है शॉकर पे वो रिलीज हो जाए और इसको हम बाहर खींच लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो इसको जो खोलने के लिए जो आपका जो इसमें वोल्ट दिख रहा है, इसको खोलने के लिए 14 mm का आपका लगेगा सॉकेट और एक थोड़ी एक्सटेंशन बार लगेगी। तो ये 14 mm का मैंने लगा लिया है, इसको खोलने के लिए मुझे एक पाइप हो या एक्सटेंशन आर्म आप लगा के खोल सकते हैं। तो ये पाइप लगा के आप आसानी से इसको ढीला कर सकते हैं। तो एक बार जब भी ढीला हो जाए उसके बाद इसमें रैचेट लगा के आसानी से खोल सकते हैं। आपका लगभग ये बोल्ट है जो लूज हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके शॉकर में टेंशन है, यानी इस पे भी अभी भी गाड़ी का थोड़ा वजन पड़ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, तो मैं भी अपने दोस्त से या किसी से गाड़ी का बोरो कर सकते हैं जिस दौरान आप ये काम कर रहे हो। तो इसको यहाँ फंसाइएगा ऐसे शॉकर दूसरे अपने जैक स्टैंड को, और जो इसको ऊपर उठा दीजिएगा। हाथ से हिलने लग जाएगा जैसा आप देख रहे हैं, अभी हिल रहा है, और जब भी आपको इतना खुल जाए इसको यहाँ पे प्लास्टिक फोड़ के इसको बाहर निकाल लीजिए। इसमें थोड़ी जंग लगी है, थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज ये आराम से निकल आता है।
देख सकते हैं इसमें कितना जंग लगा है, इस कारण दिक्कत कर रहा था। इसको साफ करके इसमें ग्रीस लगा दूंगा। तो यहाँ से टेंशन रिलीज करके आपको शॉकर बाहर आ गया। अब ऊपर का खोलते हैं। तो वो हमें ये ऊपर वाला जो है ये खोलना है नट। तो ये नट है, इसमें भी आपका 14 mm की चाबी लगेगी। आप 14 mm की चाबी से खोल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये 14 mm की चाबी फंसानी यहाँ पर और ये खोलना। बाई चांस घुमाएंगे तो आपका ये ऊपर का भी घूमेगा। तो इसके लिए आपको इसमें 5 mm की एलन की डालनी पड़ेगी। तो एलन की आप ऐसे फंसा देंगे और आपको किसी चाबी से इसको घूमने से रोकना है। तो घूमने से रोकने के लिए बहुत छोटा होता है, तो आप एक और चाबी यूज कर सकते हैं, पाना चाबी जो भी है यूज कर सकते हैं इसको घूमने से रोकने के लिए। तो इसको ऐसे फंसा लेंगे यहाँ पर और इसको ऐसे घुमाना है। तो ये आपका घूम गया, ये आपका ढीला हो गया। ये ढीला हो गया तो अपनी एलन की निकाल दीजिए। अब आपका ये नॉर्मल चाबी से ही खुल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले आपको नीचे वाला खोलना है। अगर आप उल्टा खोलेंगे तो आपको खुलेगा नहीं, बहुत दिक्कत होगी। तो पहले नीचे वाला खोल लीजिए, अपने शॉकर से जो टेंशन है वो हटा लीजिए, उसके बाद अपना ही ऊपर वाला आप खोल सकते हैं। तो मैंने शॉकर निकाल दिया पुराने वाला जो OEM निकला गाड़ी से। तो कंपैरिजन के लिए दोनों शॉकर मैंने साइड में रख लिए। तो ये जो शॉकर है जो गाड़ी से निकला है किसी मुंजाल कंपनी का है, मतलब कि कोई प्रोफेशनल जो कंपनी है जो एक्सपर्टीज है जिसके शॉकर में, वो नहीं है, ना गैब्रियल का है ना मोंड्रो का है। और जो आगे बुश देख रहे हैं तो माउंट के लिए हम ये जो बुश हैं साथ में यही बुश यूज़ करेंगे। पुराने वाले बुश देख रहे हैं तब गए हैं, तो नए बुश ही यूज़ करूँगा मैंने, यही लगाने वाला हूँ। जो ऊपर जो वार्सल था और जो नट था वो मैं यूज करूंगा। तो ये ऊपर वाला जो इसका जो बुश है ये निकाल लेते हैं, ये ऊपर से लगेगा और ये जो है इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करते हैं, जो ये बुश है ये निकाल लेंगे और जो नए शॉकर जो रेल की बुश है ये इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे वापस। जैसे वार्सल ये यूज वार्सल ऊपर लगा दूंगा और इन नट ऊपर से मैं नहीं कस देंगे। जैसे नीचे से शॉकर इंसर्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं। तो ये नीचे से कस दिया गया थोड़ा, अब बाकी आप यहाँ से अपना चाबी से इसको कस दीजिए। तो अभी यहाँ से हमने थोड़ा इसको कस दिया, तो अब नीचे का जो है वो पहले वहाँ पे नट जो है उसको एक बार सामने अलाइन कर देंगे, उसके बाद बाकी का ये कसेंगे। पहले नीचे का अलाइन करते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ से कसेंगे तो आपका नीचे शॉकर गोल घूमता रहेगा। तो पहले हम नीचे का भी आपका लॉक कर देते हैं। तो अब नीचे का कसेंगे, तो जो आपका बोल्ट था तो नीचे की तरफ मैंने ग्रीस लगा लिया, ऊपर की तरफ मैंने थ्रेड लॉकर लगा लिया ताकि ये आपका जो इस पर जंग है वो जंग ना लगे और आपके ऊपर जो है ये ढीलो के खुले ना, इसके लिए थ्रेड लॉकर है। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे अलाइन करना है दोबारा, इसके सामने अलाइन हो जाएगा। तो जैसे आप अलाइन करेंगे इसके सामने स्लाइडो के अंदर चला जाएगा, जैसे कि चला गया और आपको साइड में फिर ये वोल्ट डाल देना। तो लगभग ये स्लाइडो के अंदर जा चुका है, तो इसको हम कस देंगे यहाँ से। अब ऊपर से नट टाइट करते हैं। देख सकते हैं पूरा कस गया है। जैसे हमने आखिरी में इसको खोला था वैसे एक और दोबारा टाइट भी कर देना है। चाबी यहाँ फंसाइएगा, इस चाबी को ऐसे फंसाइएगा।
तो ये आपका टाइट हो गया पूरा, तो यहाँ का काम हमारा कंप्लीट है, ये पूरा आपका टाइट हो चुका है। अब नीचे का पूरा एक बार टाइट करके कंप्लीट करते हैं इसे। तो बस इसको आपको अपना पूरा टाइट कर देना, और कुछ नहीं है इसके अलावा इसमें। तो आपका ये टाइट हो चुका है, नीचे से भी टाइट हो गया और ऊपर से भी टाइट हो गया। तो शॉकर हमने दोनों जगह से टाइट कर लिया, ऊपर से भी नीचे से भी। अब हम इसका वापस से कवर इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद दूसरे साइड का भी अपना शॉकर रिप्लेस करेंगे। तो मैंने अपनी कार के दोनों शॉकर बदल दिए हैं, दोनों नए इंस्टॉल कर दिए। तो पुराने शॉकर की आप कंडीशन देख सकते हैं। अब ये किस नई मुंजाल कंपनी का है मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत है ये, लेकिन कम से कम जो आपकी एक्सपर्टीज है जिस कंपनी की, आपका शॉकर आपके बनाने में, जैसे आपके गैब्रियल मैन लगाया, जैसे मोनरो, ये सब बाकी और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो उसका एटलीस्ट होंडा में इंस्टॉल नहीं होता। मैंने अपनी होंडा मेज में दोनों ही गैब्रियल के शॉकर इंस्टॉल कर दिए, फ्रंट और रियर। फ्रंट की मुझे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी अच्छी लगी, इस कारण मैंने पिछले भी गैब्रियल के ही इंस्टॉल कर दिए हैं। तो ये पुराने शॉकर हैं। अब मैं इनकी प्राइस की बात करूँ तो ये शॉकर है मुझे तो 3000 के पड़े हैं मुझे नए शॉकर, बाहर आप कराएंगे 4.5-5, डिपेंड्स आपकी कितने लेगा, तो उतने पैसे वो लेते हैं। बेसिक टूल चाहिए, अगर आप खुद ही इंस्टॉल करें तो पहली बार में ही अपने टूल्स की कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई आपको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बहुत बेसिक टूल चाहिए। टूल्स मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया कौन कौन से चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका पूरी डिटेल्स दे दूंगा कौन कौन से टूल लगे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप वॉचिंग भारत ऑटोमोटिव, टेक केयर, बाय बाय।